नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। इक्वाडोर में भूकंप से मरने वालों की संख्या 413 पहुंची। दो दिन पहले 7.8 तीव्रता का आया था भूकंप। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 5 दिवसीय चीन दौरे पर। आतंकी मसूद अजहर का उठाया मसला। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की परियोजनाओं पर मांगा स्पष्टीकरण। जल्द ही सैन्य हॉटलाइन स्थापित करेंगे भारत और चीन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन के रूसी दौरे पर। आरआईसी बैठक में सुषमा ने बोला आतंकवाद पर दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं। आईजीएन पर मांगा चीन और रूस का साथ। विदेश मामलों पर पाक ने दिखाया नरम रुख। पाकिस्तानी पीएम सलाहकार सरताज अजीज ने कहा भारत के एनआईए को मिल सकती है पाकिस्तानी दौरे की मंजूरी। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने 1 दिन पहले मंजूरी देने से किया था इनकार। पाकिस्तान में हालात खराब। राजनपुर गैंगस्टर्स के मुकाबले उतारनी पड़ी पाक सेना। गैंग ने पुलिस वालों को बनाया बंधक। हथियारों से लैस है राजनपुर गैंग। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को दी धमकी। उप विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा परमाणु परीक्षण किया तो देंगे कड़ा जवाब। उत्तर कोरिया 5वें परमाणु परीक्षण की तैयारी में व्यस्त। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।